हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स यार, सबसे पहले आपको हैप्पी भाई इंडिपेंडेंस डे यानी कि। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गाइस यार, जो अपने जो कल्टीवेटर है ये अपन यानी कि कौन से ट्रैक्टर में लगा सकते हैं। भाई अभी की वीडियोस में आप देखते हो, चाहे भाई आप गेमर बंदे की वीडियो देख लो, चाहे भाई गेमिंग एक्स वाई जेड की, या फिर विशाल गेमिंग की, या फिर भाई टेंकू गेमिंग की, या फिर भाई आप मेरी वीडियो देख लो, भाई हर एक वीडियो में हर एक चैनल पर यार ये ट्रैक्टर ही दिखता है आपको, यानी कि अपने कल्टीवेटर पर लगा हुआ। जो भी फार्मिंग मोड पर वीडियो बना रहे हैं तो भाई उनने देखा होगा आपने, भाई यही ट्रैक्टर का यूज़ किया है, भाई दूसरे ट्रैक्टरों का उनने यूज़ भाई किया ही नहीं है यानी कि। तो भाई यार वही यानी कि अब बात करने वाले अपन की, भाई ये जो व्हीकल है ये भाई सिर्फ कहना चाहिए तो यार मेसी ट्रैक्टर पे लगता है, या फिर भाई दूसरे ट्रैक्टर को भाई भी लगेगा ही नहीं। एक बार यार आपको मैं टेस्ट भी करा दूंगा अपना, यानी कि गाइस यार ये जो व्हीकल है ये सिर्फ मेसी ही ट्रैक्टर पे लग रहा है, बाकी दूसरे व्हीकल यानी कि दूसरे ट्रैक्टर पे लग ही नहीं रहा है। तो गाइस यार एक बार आपको मैं यानी कि टेस्ट भी करा देता हूँ, तो भाई यानी कि टेस्ट भी करा देते। साथ ही साथ में आज की वीडियो में आपको ये भी बताऊँगा कि भाई ये जो मैप है ना ये अलग से रहने वाला है, या फिर गाइस यार सिर्फ इसी के अंदर यानी कि कहना चाहिए तो यार यही मैप को यानी कि अपन ऑप्टिमाइज करके यानी कि कहना चाहिए तो यार अपना जो ओपन वर्ल्ड वाला मैप है उसी के अंदर दे देंगे। तो भाई इसके बारे में भी बताने वाला हूँ, तो गाइस यार इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड गाइस यार उसी के साथ साथ में वीडियोस को भी लाइक कर दो। भाई कमेंट बॉक्स में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लिख दो, भाई पूरा कमेंट बॉक्स भर दो इससे। तो गाइस यार अब चलो ठीक है यार, आपको मैं एक बार ना टेस्ट करा देता हूँ कि भाई ये जो अपना कहना चाहिए तो यार मेसी 9500 जो ट्रैक्टर है ना, जो व्हीकल है ना यार, ये इसी पे लग रहा है अपना कल्टीवेटर, यानी कि दूसरे ट्रैक्टरों पे ये अभी लगा ही नहीं रहा है, यानी कि भाई अपन यानी कितना ही कोशिश कर ले भाई दूसरे ट्रैक्टरों पर ये लग ही नहीं रहा। तो भाई एक बार मैं स्वराज ट्रैक्टर को ले लेता हूँ, तो कहते यार देखो स्वराज ट्रैक्टर में यार कल्टीवेटर नहीं है भाई, और भाई देखो कैसा दिख रहा है अपना यानी कि विदाउट कल्टीवेटर। गाइस यार देखो इसकी स्पीड यार क्या ही खतरनाक से आ रही है भाई। एक बार मैं आपको मेसी ट्रैक्टर की भी स्पीड दिखाना चाहूँगा भाई, इसकी तो यार स्पीड देख के मज़ा आ गया। तो गाइस यार एक बार आपको इस मेसी ट्रैक्टर की भी स्पीड दिखाते भाई, जो अपना नॉर्मल बिना कल्टीवेटर के साथ में। तो गाइस यार ये देखो भाई अपना मेसी ट्रैक्टर, और भाई इसकी स्पीड, भाई साहब इसकी भी स्पीड गाइस यार खतरनाक सी आ रही है। तो गाइस यार देखो कितनी खतरनाक सी स्पीड आ रही है ट्रैक्टर की भी। तो भाई हम इसको कल्टीवेटर वाला ला लेते एक बार फिर से। तो गाइस यार ये आ गया अपना कल्टीवेटर वाला, तो अब बात करें देखो भाई कितनी कम स्पीड है। तो गाइस यार देखो अब अपना जो ये वाला जो सिस्टम है ना यार, ये जो मैप है ना ये वाला यार अलग से ही आने वाला है, यानी कि जो फार्मिंग मोड का जो आप देख रहे हो ना रियल में ऐसे ही होने वाला है, बीच में फार्मिंग मोड रहने वाला है भाई अपने टोचन मोड और ओपन वर्ल्ड के बीच में। एंड गाइस जरा बात कर लेते हैं कि भाई जो व्हीकल है ये भाई कौन से यानी कि जो कल्टीवेटर वाला व्हीकल है ये कौन से इसमें लगा रहेगा। तो गाइस यार वैसे तो ये सभी ट्रैक्टरों में लगा रहेगा, वो गाइस यार अपन ने इसको सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग के लिए अपने यानी कि टेस्ट करने के लिए अपन ने इस और आज के पीछे लगा सॉरी गाइस यार मेची 9500 के पीछे लगा रखा है। बाकी गाइस यार जब आपके पास में अपडेट आएगा ना, तो भाई हर एक व्हीकल्स यानी कि हर एक ट्रैक्टर में ये अपना कहना चाहिए तो यार कल्टीवेटर लगा रहेगा। तो गाइस यार आप ये सोच रहे होंगे कि भाई कल्टीवेटर सिर्फ मेसी ट्रैक्टर में लगा रहेगा, तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है भाई, हर एक व्हीकल में लगा सकते हो, इसका भी अपनी एक ऑप्शन आएगा कल्टीवेटर लगाने का। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई नेटअप के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।